हेलो नमस्ते खम्मा गणी, मेरा नाम है मानविजय, आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो दोस्तों आज अपन करने वाले हैं अपनी वीडियो शूट कीवे की 300N की। तो इस गाड़ी का नाम जो है वो है K300N। सामने की तरफ आपको दिख रही होगी पूरी की पूरी गाड़ी। चालू करेंगे गाड़ी के सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के साथ। तो फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसकी हेडलाइट। तो हेडलाइट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह की अपने को हेडलाइट देखने को मिल रही है। हेडलाइट की शेप मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे अपने को कंप्लीटली LED हेडलाइट देखने को मिलेगी और लो बीम और हाई बीम आप देख सकते हो। ऊपर वाली जो है लो बीम दिखेगी, नीचे वाली जो है अपने को हाई बीम देखने को मिलेगी, तो वो वहां पे है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके सस्पेंशन की। तो यहां पे जो अपने सस्पेंशन यूज कर रहे हैं फ्रंट में, ये अपने को USD शॉकर्स अब्सॉर्ब देखने को मिलेंगे और ये वाले जो है 37mm के सस्पेंशन है। आप यहां पे देख सकते हो ये वाला जो सस्पेंशन आपको दिख रहा है ये 37mm का है। नीचे की तरफ अगर अपन टायर्स की बात करें तो वो अपने को 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा फ्रंट में विद 17 इंच अलॉय, एंड रियर में अपने को 17 इंच ही अलॉय देखने को मिल रहा है, बट 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा। और डिस्क की बात करें तो डिस्क आप आगे और पीछे दोनों तरफ देख सकते हो, एज वेल एज इसके एक बार आप अलॉयस की डिजाइनिंग देख लीजिए। तो ये वाले जो है पूरे पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर अपने को अलॉयस देखने को मिलेंगे। और टायर की जो यहाँ पे कंपनी यूज कर रखी है वो है CST। तो ये कंपनी भी यार मेरे लिए भी एकदम पहली बार सुनी हुई कंपनी है। ये वाली जो है पूरी की पूरी CKU यूनिट है। जितनी भी अपनी कीवी की गाड़ी आ रही है सारी की सारी CKU यूनिट आ रही है। उसके बाद आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए गाड़ी की साइड प्रोफाइल। तो गाड़ी की जब आप साइड प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पे डायमेंशन वगैरह की भी बात कर ही लेता हूँ मैं साइड प्रोफाइल जब आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस गाड़ी का जो अपने को डायमेंशन देखने को मिल रहा है वो है 1990x780x1070mm। व्हील बेस की बात करें तो वो अपने को देखने को मिलेगा 1360mm। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें जो कि अपने को नीचे की तरफ आप देख लीजिए ग्राउंड क्लियरेंस कितना देखने को मिल रहा है, तो वो अपने को देखने को मिलेगा 150mm। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे आप फ्यूल टैंक देख सकते हैं, इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो वो अपने को 12.5 लीटर की देखने को मिलती है। और सेटिंग हाइट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे से ऊपर जो अपनी सेटिंग हाइट है वो अपने को देखने को मिलेगी 795mm। एंड कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी का तो वो है 151kg। और इसका जो है जैसे कि अपने को नेकेड वर्जन देखने को मिलता है वैसे ही अपने को एक पूरा का पूरा वर्जन भी देखने को मिलता है। वो जो है वो 300N की जगह 300R के नाम से आती है। एंड उसका कर्व वेट जो है वो आपको 151 की जगह 165 का देखने को मिलेगा, मतलब 14 किलो का कर्व वेट में इंक्रीमेंट है। और पावर एंड टॉर्क आउटपुट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो इंजन आपको देखने को मिल रहा है 300N के अंदर वो 292.4 cc का इंजन देखने को मिल रहा है। और उसकी पावर की मैं बात करूँ तो वो है 27.5 HP की। एंड टॉर्क की मैं बात करूँ तो वो अपने को देखने को मिलेगा 25 Nm का। तो अपने को यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और नंबर ऑफ गियर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 गियर देखने को मिलेंगे अपने को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गियर सिस्टम किस तरह का है। और एक चीज़ जो मेरे को इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी यूनिक थी वो ये है कि इसमें अपने को स्लिपर क्लच देखने को मिलता है, मतलब कि इतना बटरी स्मूथ क्लच है इसका। आप कोई भी गाड़ी देख लो, स्पोर्ट्स में भी आप देख लो, पर इतना स्मूथ क्लच आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन और बात करें तो यहाँ पे वापस से साइड में आ चुका हूँ। पीछे की तरफ अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो कि फिर से बहुत ही बेहतरीन लाइट क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। तो ये 8 वे एडजस्टेबल अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट कहां पे सिचुएटेड है भाई, यहां पे देखो एग्जॉस्ट की जो प्लेसमेंट है भाई मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको ये प्लेसमेंट कैसी लगी, क्योंकि काफी यूनिक जगह अपना एग्जॉस्ट जो है वो सिचुएटेड लगता है अपने को। और रियर में से एक बार आप देख लीजिए बाइक को, मतलब यार एक जो कहते हैं ना एकदम ही यूनिक तरह की बाइक चाहिए आपको, कुछ एकदम हटके तरह की बाइक चाहिए तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एकदम ही अलग तरह की बाइक देखने को मिलेगी अगर आप रियर प्रोफाइल से देखोगे। तो रियर प्रोफाइल में से अगर आप देखोगे, मतलब पर्सनली यार मैंने भी काफ़ी सारी बाइक देखी है, बट ये जो लुक है उस लुक को कोई भी बीट नहीं कर सकता, कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता। कीवी की मैं ये चीज़ मानूंगा कि यार गाड़ी में ये भले ही इंजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब छोटा इंजन दे रहे 300 cc का इंजन दे रहे हैं, बट लुकिंग में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। लुकिंग एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाइड एंगल व्यू से आप एक बार लुकिंग देख लीजिए पूरी गाड़ी की। तो मतलब किसी भी प्रोपोर्शनेट से आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी में कहीं भी कमी है। आप साइड में से देख लीजिए, सामने से देख लीजिए, कहीं भी लुकिंग में आपको कहीं भी 1% भी नहीं लगेगा कि कुछ कमी आ रही है। इस गाड़ी में अगर अपन बात करें कि भैया आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, आप 2 मेजर चीज़ें हमेशा नहीं बताते हो, उस वजह से काफ़ी सारे लोग मुझसे नाराज रहते हैं, तो वो अब बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ प्राइसिंग क्या होगी। तो इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 285,000 अपने को प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी इसकी।
अब बात आ रही है 2,85,000 जो अपनी प्राइसिंग है वो कौन से वेरिएंट की आ रही है। तो यहाँ पे वेरिएंट में केवल कलर ही चेंज होता है, तो 2,85,000 प्राइसिंग जो है वो इसके टॉप एंड वेरिएंट की आएगी जो कि होगा ब्लैक कलर। ये जो सामने की तरफ आपको दिख रहा है इसकी प्राइसिंग है 2,65,000 और रेड कलर की आएगी 2,75,000। तो यार यहाँ पर जब प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें चेंज क्या क्या होता है, केवल कलर टोन में वेरिएशन है और किसी चीज़ में चेंज नहीं होगा। मतलब गाड़ी आपको सेम टू सेम ऐसी ही देखने को मिलेगी, बस कलर जो है वो बार बार अपने को चेंज होते हुए दिख जाएंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों की। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कंफर्ट एंड ऑल में कैसी है गाड़ी, तो यार कुछ नहीं, अगर बात करें तो स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। एक बार आप इसको देखिए, मैं जो इसको पुश कर रहा हूँ तो आपको लगेगा हाँ यार कुशनिंग में तो कोई कमी पेशी है नहीं। एज वेल एज स्टिचिंग क्वालिटी देखिए आप एक बार किस तरह से स्टिचिंग कर रखी है, तो स्टिचिंग क्वालिटी कुशनिंग एंड ऑल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पिलन राइडर के लिए तो भाई स्पोर्ट्स बाइक है तो पिलन में आप सोच ही नहीं सकते कि बहुत कंफर्टेबल सीट मिले, बट हाँ ठीक ठाक सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कंफर्टेबल किसी भी एंगल से आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद सामने की तरफ अपन एक एक करके सारे पैरामीटर्स का कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार अपन आ जाते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ, तो इसको पूरा बंद करता हूँ और चालू करता हूँ। तो कुछ इस तरह से अपने को देखने को मिलेगा इसका स्पीडोमीटर चालू होते हुए। यहाँ पे अपने को टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे सारे के सारे अदर इंडिकेशन आते हैं, न्यूट्रल का इंडिकेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने को स्पीड देखने को मिलेगी, यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा अपना फ्यूल टैंक का इंडिकेशन, इस साइड में अपने को दूसरे और इंडिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। अब इस साइड में क्या चीज़ें आती है, तो ये वाला पूरा अपने को आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा, टाइम देखने को मिलेगा, गियर देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगी। तो और बात करें गाड़ी के अंदर दो मोड आते हैं, तो मोड आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, एक है देखने को मिलता है अपने को इको, एक देखने को मिलता है स्पोर्ट्स। और अपन बात करें बाइक में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक बार स्विच देख लीजिए अपने किस तरह का स्विच देखने को मिल रहा है। तो ये अपने बेसिकली हाई बीम लो बीम का स्विच है, हॉर्न का स्विच यहाँ पे है। तो भाई कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे मेरी भी आदत है, जब भी बाइक चलाता हूँ यहाँ पे हॉर्न बजाऊंगा, तो वो वाली आदत आपको थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं देख रहा था हॉर्न क्यों नहीं बज रहा गाड़ी चलाते रहे। तो इसका हॉर्न का स्विच इस तरफ है, तो आपको ऐसे हॉर्न बजाना पड़ेगा, तो वो वाली आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो भाई थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, क्योंकि ये आदत तो डालनी ही पड़ेगी। हेडलैम्प का स्विच यहाँ पे है, पास का स्विच आपको पीछे की तरफ और देखने को मिल जाएगा। ग्रिप एंड ऑल की अगर अपन बात करें तो वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और क्लच भाई साहब, इतना लाइट स्लिपर क्लच मैंने पहली बार देखा यार, मतलब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कीवे ब्रांडिंग अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, की आपको दिखा देता हूँ कीवे की किस तरह की देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की अपने को की देखने को मिलेगी कीवे की, और कीवे में देखो लिख भी रखा है की के ऊपर कीवे, तो भाई अच्छी खासी की देखने को मिलती है। क्वालिटी एंड ऑल में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा है क्वालिटी के साथ, तो वो वाली चीज़ अपने को देखने को मिलती है। इसको घुसाते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पे अपने को बेसिकली पार्किंग स्विच देखने को मिलेगा, और इस साइड में अपने को देखने को मिल जाएगा इग्निशन का, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ग्रिपिंग एंड ऑल वापस से सेम। ब्रेक जो है अपने को ड्यूल चैनल ईबीएस देखने को मिलेगा, पीछे भी ईबीएस आगे भी ईबीएस, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसके जो यहाँ पे स्टीयरिंग के लेवल है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे देख लीजिए 0 1 2 1 2 देख रखा है और वहाँ पे 0 1 2 दे रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे आपकी कन्वीनियंस हो आप वैसा अपना बना सकते हो पैरामीटर। तो यहाँ पे अगर आप इसका फर्स्ट पर्सन व्यू देखें, तो फर्स्ट पर्सन व्यू मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। एक जो प्रॉपर सिटिंग पॉस्चर देखने को मिलता है वैसा देखने को मिलेगा, और एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाली फील आती है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए किस तरह का मामला है। अब एक और मेन चीज़ की बात करनी पड़ेगी, वो है भैया बिल्ड क्वालिटी बता दो यार। क्या है, हम गाड़ी लेते हैं तो बिल्ड क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, और आपको पता है मेरी वीडियो आ रही है और बिल्ड क्वालिटी के बारे में नहीं बताऊँ वो नहीं हो सकता। तो गाड़ी से उतर जाते हैं और यहाँ देख लीजिए पूरी गाड़ी, तो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। स्पोर्ट्स बाइक है तो ऑब्वियसली बात है फाइबर बॉडी होगी, पर फिर भी देख लेते हैं अपन। ये देख लीजिए मटेरियल ठीक ठाक क्वालिटी का यूज़ है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो पूरा फाइबर का ही है, ये भी फाइबर का ही है। ओके, ये वाला टैंक वाला पूरा फाइबर का है, और ये वाला पार्ट साइड के फाइबर केवल इंजन वाला जो है मेटेलिक पार्ट है, बल्कि साइड वाला पूरा फाइबर का है। यहाँ पे आप इसकी देख लीजिए, जो अपनी बाइक की चेन है वो आपको दिख रही होगी, तो ये ओपन निल है, विजिबल है बाइक की चेन, तो वो चीज़ भी अपने को देखने को मिल गई। और यहाँ पे K300N का स्टीकर देखने को मिल रहा है, हाँ ये वाला पूरा आपको स्टीकर देखने को मिलेगा K300N का। मतलब कि एक जो होती है बैजिंग वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, केवल स्टीकर वर्क देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कीवे का लोगो देखने को मिल रहा है फ्रंट में। तो ये वाला लोगो यार जो है बहुत ही प्यारा सा, कुछ नया हटके तरह का लोगो है, तो वो चीज़ अपने को देखने को मिल रही है। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई पीछे से कोई ठोकेगा तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा बैठेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपको केवल ये चीज़ ही चेंज करनी पड़ेगी, और ये पूरी फाइबर की चीज़ है, तो ये वाली जो चीज़ है पूरी फाइबर की देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ बिल्ड क्वालिटी में तो गाड़ी पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी में आती है, बट हाँ एक बार कंसिडर करने लायक बिल्ड क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब बिल्ड क्वालिटी हो, पर स्पोर्ट्स बाइक खरीद रहे हो और एक्सीडेंट के बाद आप सोचो कि कुछ भी ना हो, वो पॉसिबल नहीं है।
स्पोर्ट्स बाइक खरीदी, एक्सीडेंट हुआ, तो ये चीज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलिए कि हाँ यार अपने गाड़ी में खर्चा अच्छा खासा आने वाला है, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को पड़ेगी। अदरवाइज़ गाड़ी जो है बहुत ही बेहतरीन है। रियर प्रोफाइल में से अगर अपन बात करें तो यहाँ से रियर प्रोफाइल की भी आपको लुकिंग दिखा देता हूँ। तो टेल लाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और टायर जो है 140 सेक्शन का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक मैंने पूरी की पूरी डिटेलिंग तो बता ही दी है। अब समय आ चुका है आप लोगों को बताने का एक फाइनल वर्डिक्ट और एक टेस्ट राइड का अपने को बनाना पड़ेगा कि यार भैया इस गाड़ी को जब चलाते हो तो कैसी फील आती है, एज वेल एज इसका वर्डिक्ट अपन बता देते हैं कि ये गाड़ी जो है आज की तारीख में खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। अब दोस्तों बात करेंगे अपन अपनी गाड़ी की राइड क्वालिटी के बारे में। तो कीवी की जब आप गाड़ी की राइड क्वालिटी की बात करोगे तो यहाँ पर राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। और बात करें अपन जब इस गाड़ी की पावर की, तो यहाँ पे अपने को 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और वो टॉर्क जो है वो हाईली जस्टिफाइबल है। आप इस गाड़ी को कौन से भी गियर में चलाओ, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ दिखेगी, थैंक्स टू द बटरी स्मूथ क्लच जो कि अपने को देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो ब्रेकिंग एंड ऑल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे और पीछे दोनों तरफ ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलेगा। और जब इस गाड़ी के साथ आप कॉर्नरिंग करोगे तो ये इजी टू हैंडल गाड़ी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कॉर्नरिंग वगैरह में आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ। और जो इसकी सिटिंग पोजीशन है, तो काफ़ी सारी जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उनकी सिटिंग पोजीशन ऐसी होती है कि अपन अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट थैंक्स टू दिस व्हीकल इसकी सिटिंग पोजीशन आपको किसी भी एंगल में अनकंफर्टेबल नहीं लगेगी। आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे जब भी आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे। इस गाड़ी की अगर अपन बात करें वाइब्रेशन की, तो भाई जितनी भी मैंने स्पोर्ट्स बाइक चलाई जो कि अपने इंडियन कार सेगमेंट मार्केट में है, उनका वाइब्रेशन कहीं ना कहीं तो होते ही है। इस बाइक में आप जब 9000 RPM को क्रॉस करोगे तब जाके वाइब्रेशन आएंगे। इनफैक्ट अगर आप इसके नॉर्मल RPM में चल रहे होंगे जो कि अपना होता है 5000-6000 RPM, तब आपको कोई वाइब्रेशन नहीं होंगे। 8000 RPM तक भी आपको वाइब्रेशन नहीं दिखेंगे, 9000 को क्रॉस करने के बाद वाइब्रेशन दिखेंगे। तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ आपको अपनी गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की बात करें तो सादी भाषा में ओवर प्राइस्ड, ये चीज़ मैं बोल दूंगा, क्योंकि भाई यार अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि कभी भी किसी को अपन मिसगाइड नहीं करते। हल्की सी ओवर प्राइस मेरे को लग रही है। एक रीज़न ये भी है कि पूरी की पूरी CKU यूनिट है, मतलब पूरी आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्टेड यूनिट है, बट हल्की सी ओवर प्राइस है तो है, वो वाली चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अदरवाइज राइड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश की मैं बात करूँ गाड़ी में, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कोई भी गाड़ी को आप कंपेयर करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि राइड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश में इस गाड़ी को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है। किसी भी जगह आप देख लीजिए, जो आपको बिल्ड क्वालिटी वगैरह में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा। तो आप पे है डिसीजन, अगर मेरे को कोई बोले वेदर इट इज़ वर्थ टू बाय दिस वन और आपको किसी और ऑप्शन में जाना है, तो ऑप्शन भी आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स में, तो और भाई बजाज एक अलग ही स्पोर्ट्स का सेगमेंट लेके आ गया है बजट बायर्स के लिए, और थोड़ा सा ज़्यादा सेगमेंट ऊपर करना है तो KTM भी एक अलग स्पोर्ट्स का बजट लेके आ चुका है, एक अलग सेगमेंट लेके आ चुका है। तो वही है भाई, स्पोर्ट्स का मामला अभी बहुत ही तहलका वाला मचा चुका है, और 300 CC में के पीछे तो हर कोई पड़ गया है। इनफैक्ट BMW भी पड़ गई है, तो BMW की भी G310R आ चुकी है। तो भाई वही है, आपको जो लेना चाहे आप वो ले सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, ये वाली जो गाड़ी है बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए अगर आपको खरीदना हो तो, बट ये ओवर प्राइस्ड है, ये चीज़ भी मैं आपको बोलूँगा। तो आप पे है कि आपको क्या करना है, और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।